खबरें। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। सड़क पर उतरे अनुमंडल प्रशासन। बीते शनिवार की देर शाम उड़न दस्ता टीम ने शहर में घूम घूम कर दुकानों को कराया बंद। बिना मास्क लगाकर घूम रहे लोगों का भी काटा चालान। पति के अलावा प्रेमी के बाद तीसरे अन्य किसी से बात करने के कारण प्रेमी ने गला दबाकर विनीता देवी की कर दी थी हत्या। हत्यारोपी प्रेमी हुआ गिरफ्तार। सीमावर्ती क्षेत्र मथुरापुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। आज साहरघाट में 40 लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 व्यक्ति मिले कोरोना संक्रमित। इसके साथ ही मथुरापुर में संक्रमितों की संख्या हो गई 13। क्षेत्र में दहशत का बना है माहौल। सीमावर्ती क्षेत्र मथुरापुर में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए आज रविवार को 60 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। सीएससी प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने टीका लगाने वाले को टीका लगाने के बाद भी मास्क का उपयोग करने और 2 गज की दूरी बनाकर रहने तथा सैनिटाइजर और साबुन से बार बार हाथ धोने की दी सलाह। चैती नवरात्र के 6वें दिन दुर्गा माता के मंदिरों में हुई बेलनौती। गाजे बाजे के साथ निकाली गई बेलनौती की डोली। बेल वृक्ष की गई पूजा अर्चना। कल होगा बेल तोड़े। मधुबनी जिले में कई जगहों पर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आज चैती छठ। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए छठ व्रतियों ने सरकारी गाइडलाइन के साथ मनाया छठ। अरेर थाना पुलिस ने आज एक चोरी की बाइक के साथ एक शातिर अपराधी को दबोचा। धराए अपराधी के ऊपर 3 अलग अलग पुलिस थाने में दर्ज है आधा दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले। बेनीपट्टी के चर्चित महमदपुर नरसंहार के फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। आज पुलिस ने गेवीपुर गम्हरिया कौवाम और महमदपुर गांव में फरार अपराधियों के घर चिपकाया कुर्की जब्ती का इश्तेहार। फरार आरोपियों को शीघ्र हाजिर होने की चेतावनी, नहीं तो घरों में होगा कुर्की जब्ती की कार्रवाई। गिरफ्तार कर भेजा जेल। धराए आरोपी श्री चंद्र साहब बीते साल में मुखिया लक्ष्मण देव मंडल और पूर्व मुखिया विजय साहब भुट्टो के बीच हुए हिंसक झड़प मामले में था नामजद आरोपी। घुमरिया प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना को 7 में पूरा नहीं कराने वाले 2 आवास सहायकों पर गिरी गाज। बीते 13 अप्रैल को डीडीसी अजय कुमार के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के समीक्षोपरांत लक्ष्य पीछे रहने वाले प्रखंड के केवटना और ब्रह्मपुर दक्षिणी पंचायत के आवास सहायक जयप्रकाश यादव और केवटना पंचायत के आवास सहायक का 15 दिनों का वेतन कटौती करने का वीडियो को दिया आदेश। फुलबरास के सर्किल इंस्पेक्टर ललन प्रसाद ने रविवार को घड़िया थाना का किया निरीक्षण। निरीक्षण के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने भी पुलिस कर्मियों के बीच किया मास्क का वितरण। इंस्पेक्टर ने कहा कि कोरोना से खुद को बचाव करते हुए लंबित कांडों का तेजी से निष्पादन करें पुलिस अधिकारी। घुमरिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्त हुआ प्रखंड सह अंचल प्रशासन। शाम 7 बजे से बाजार के सभी प्रतिष्ठान दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर सरकारी निर्देशों का पालन करने उतरे सड़क पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का उपयोग करने के लिए आम लोगों को अभियान चलाकर किया जागरूक। लोगों के बीच चलाया अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान जिसमें आग लगने की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं करें इस संबंध में विस्तार पूर्वक प्रायोगिक रूप से दी गई जानकारी। आज के लिए इतना ही। देखते रहेंगे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज़।